आगर जिले के कनर नगर में मंगलवार सुबह 11 बजे माताजी रोड स्थित मांगलिक भवन में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्धारित समय पर कलेक्टर संजय कुमार व एसपी राकेश सगर द्वारा मांगलिक भवन पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस कोविड-19 की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बिना किसी औपचारिकता के सीधे पुलिस अधीक्षक राकेश सगर द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान एडिशनल एसपी कमल मौर्य, एसडीओपी ज्योति उमेट, नायब तहसीलदार जेपी गौतम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओम प्रकाश नागर, थाना प्रभारी एस मंडलोई, डॉक्टर शोभा पाटीदार, जनप्रतिनिधि पूर्व मंडी अध्यक्ष राजमल सोनी, कैलाश परिहार, पूर्व उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पालीवाल, बाबूलाल बिजापारी, सिद्धनाथ चौधरी, कन्हैया लाल परमार सहित व्यापारी सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। कानड़ से गोवर्धन कुंभकार की रिपोर्ट। जो आवश्यकता है जीवन के लिए वो सुविधाएं आपको मिल रही है, आपके सुझाव और ये जो वैश्विक महामारी है इसमें हम लोग बचाव के क्या उपाय रखे हैं ताकि हम हमारा ये सुंदर जो जिला है ये इसमें हम इस महामारी से जो हमारी दुर्घटनाएं हैं हमारी होनी है उनको हम टाल पाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपके बीसी है तमाम मीटिंग है इसके बावजूद भी साहब ने कल भी समय निकाला और आज भी निकाला है। मैं चूँकि हमारे जो कानड़ के सभी सुप्रांत नागरिक बंधु और पत्रकार हैं, जैसा कि विदित है कि विगत करीबन जनवरी से हम लोग जो है पूरा देश भर की पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और ये कामयाब नहीं रहे, लेकिन हमारे जो शासन हमारी जो भारत सरकार और मध्य सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों के अंतर्गत हम लोगों ने जो है प्रयास करके और उनके जो निर्देश मिले हैं वो निर्देश जो है आप लोगों तक पहुँचाए गए और आप लोगों ने बखूबी से काफ़ी निर्देशों का पालन किया है। तो इसलिए अपना जिला काफ़ी उन परिस्थितियों में देखा जाए जैसे कि हमारे पड़ोस में काफ़ी समस्याएँ मैं पूरे अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि जो प्रिडिक्ट किया गया है जो संभावना व्यक्त की गई है क्योंकि आज जो मैथमेटिकली आंकड़े रहते हैं वो हमारी घटनाओं को लेकर के संबंध में बात बताई तो आपकी जो भावना है और साहब की जो समझाइश है उससे जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हमको यहाँ से जाने के बाद एक शपथ लेनी है कि हमको 5 प्रकार के काम करने हैं, 5 लोगों को बचाना है। पहले तो अपने आप को, सबसे पहला है अपने आप को बचाना है। दूसरा है हमारे सबसे प्रिय, जैसे कि साहब ने बताया कि सबसे प्रिय व्यक्ति को हम खतरे में डालते हैं वो है हमारा परिवार। दूसरा हमको अपने परिवार को बचाना है। तीसरा हमको अपने पड़ोसी को भी बचाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है पड़ोसी को बचाना। चौथा हमारे समाज को बचाना है, जो हमारा समाज है उसको बचाना है। जब हम ये 4 काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश बचेगा। और खुलवाता बंद करवाता हमको भी अच्छा नहीं लगता, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा अभी भी कि बहुत विषम परिस्थितियों से देश ही नहीं दुनिया गुजर रही है, मानव जाति गुजर रही है। और अभी और में एक घर बनाए हर आदमी की होती थी, आज इंदौर वाले की इच्छा हो रही है कानड़ में जाके एक घर बनाए। इंदौर हमसे तो परमिशन के लिए आते हैं लोग अपने